क्या बंद होने जा रहे हैं 2000 रुपए के नोट? क्यों नहीं निकल रहे एटीएम से 2000 के नोट? क्या सरकार ने अचानक बंद किए 2000 के नोट? क्या है मोदी सरकार का 2000 के नोट के पीछे का प्लान? बीते कुछ समय से देश के कई बैंकों में एटीएम से 2000 रुपए के नोट नहीं निकल रहे हैं। यही हाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी है। लंबे समय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 2000 रुपए के नोट निकलने में दिक्कत आ रही है। इस हालात पर सरकार की ओर से बयान आया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने सदन को बताया है कि सरकार का 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की कोई योजना नहीं है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा, 500 रुपए और 200 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के अत्यधिक प्रचलन के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने उक्त मूल्य वर्ग के नोटों के लिए एटीएम को फिर से कॉन्फिगर करने के लिए अपने स्थानीय प्रधान कार्यालय को सूचना जारी की है। बता दें कि पिछले कुछ महीने से बाजार में 2000 रुपए के नोटों की संख्या में कमी की वजह से अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार इसे चलन से बाहर करने की योजना बना रही है। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2000 रुपए के नोट का चेंज प्राप्त करना एक समस्या बन रही है। ऐसे में SBI ने अपने ATM में कम मूल्य वर्ग के 500 रुपए व 200 रुपए के नोटों के लिए बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नोटों की छपाई सरकार के द्वारा RBI की सलाह पर की जाती है। बता दें कि पब्लिक सेक्टर के इंडियन बैंक ने बीते 1 मार्च से 2000 रुपए के नोट ATM में डालने बंद कर दिए हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।